लगभग सभी सामान्य इंसानों में वो होता है जो जीवन जीने के लिए जरूरी है। लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि एक आदमी का दिमाग प्रतिभा से चमकता है और दूसरे आदमी का दिमाग भरा होता है दुख, पीड़ा, तनाव, परेशानी और ऐसी ही चीजों से? वो सभी भयंकर चीजें जो कोई नहीं चाहता लोगों के मन में चलती रहती हैं। तो क्या ये ऊंची बुद्धि की बात है या किसी जादुई असर की वजह से है, या फिर ये अपने अंदर जरूरी संतुलन लाने की बात है ताकि जीवन का जादू आपको छू सके? एक टेढ़ी बुद्धि, चाहे वो बाहर से कितनी भी स्मार्ट लगे, इस जिंदगी को सुंदर तरीके से नहीं चला सकती। और संतुलन सबसे जरूरी है, हर स्तर पर संतुलन, वरना हमारा अपना शरीर और दिमाग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। इस हद तक कि आज दुनिया में आराम का एक ही विचार या तरीका है, या तो सो जाइए या शराब या ड्रग्स। कोशिश बस इतनी है कि कुछ देर के लिए दिमाग से मुक्त हो जाए, क्योंकि दिमाग इतनी बड़ी मुसीबत बन गया है। अगर दिमाग नहीं होता तो आप कम से कम शांत होते, है ना? जिस चीज को विकसित होने में लाखों साल लग गए, आज वो परेशानी बन गई है। इस शरीर में जो सबसे चमत्कारी चीज है, वो दुख पैदा करने की मशीन बन गई है। इसके कई पहलू हैं, मैं इसे इतना सीधा साधा नहीं बनाना चाहता, पर सबसे बड़ी बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, संतुलन का होना या ना होना। तो ये इंसानी सिस्टम जो इस धरती की सबसे बेहतरीन मशीन है, अगर आप इस पर ध्यान ना दें और अगर ये आपके खिलाफ हो जाए, तो इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको बचा सके, क्योंकि यहां इतना जटिल कुछ भी नहीं है इसके जितना, क्योंकि यही विकास और जटिलता का सबसे ऊंचा स्तर है। अगर यही आपके खिलाफ हो गई तो आपको कोई नहीं बचा पाएगा। मैं चाहता हूं कि आप ये समझ लें, लेकिन इसे संतुलित करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। बात सिर्फ इतनी सी है कि हम कुछ बुनियादी चीजें बिल्कुल गलत कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है। बुनियादी गलती से मेरा मतलब है कि एक बात सभी को समझ लेनी चाहिए, सभी इंसानी अनुभव हमारे भीतर ही पैदा होते हैं। क्या ऐसा है? सभी इंसानी अनुभव हमारे भीतर ही पैदा होते हैं। तो जब भी खुशी, दुख, आनंद, परमानंद, भयंकर दुख हो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। आपका अनुभव जो भी हो, अच्छा या बुरा, बस इतना समझ पाना कि ये भीतर से पैदा हो रहा है और सिर्फ भीतर ही पैदा हो सकता है। या तो आप बाहरी मदद ले सकते हैं या आप खुद ही इसे बना सकते हैं, पर मूल रूप से ये भीतर ही पैदा होता है। अगर ये एक चीज आपने नहीं समझी और दुखी होने पर आपको लगा कि ये उसकी वजह से है, तो आप गए काम से। ये बुनियादी गलती लगभग 90% लोग हमेशा करते हैं। जब वे दुखी होते हैं, वे सोचते हैं ये इसकी वजह से है, या उसकी, या उसकी, या फिर उसकी। नहीं, सारे इंसानी अनुभव भीतर से ही पैदा होते हैं। अगर कुछ बुरा महसूस हो रहा है तो सबसे पहले इसे देखना होगा, मैं इसके साथ क्या गलत कर रहा हूं? क्या मैं खाना गलत खा रहा हूं? क्या मैं सो गलत रहा हूं? क्या मैं बैठ गलत रहा हूं? क्या मैं सांस गलत तरीके से ले रहा हूं? क्या मेरा दिल गलत धड़क रहा है? क्या मेरे अंदर की केमिस्ट्री में खराबी है? इसी में कुछ खराबी है, उसमें नहीं। तो जैसे ही आप सोचते हैं कि दीवार को पीट कर आप इसे ठीक कर सकते हैं, तो आप एक बुनियादी भूल कर चुके हैं। आप जितनी ज्यादा कोशिश करेंगे, आप उतने ही दूर चले जाएंगे। सबसे पहले संतुलन लाना जरूरी है। संतुलन आने के बाद आप इस पर एक इमारत खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप कुछ बनाते हैं तो भयंकर लगता है संतुलन के बिना। संतुलन के बिना खड़ी कोई भी चीज एक बड़ी परेशानी होती है। तो ये वो इतनी सारी चीजें करने से पहले जरूरी है कि आप संतुलन लाने के लिए कुछ करें। पहला कदम बस ये है कि जो भी अनुभव मैं अपने भीतर पैदा करता हूं,
संवेदना, दर्द भरी, मजेदार, शानदार या भयंकर जिस भी चीज से मैं गुजरता हूं, वो बुनियादी रूप से मेरे ही भीतर पैदा होती है और कहीं से नहीं। हो सकता है दूसरे लोग मदद करें, लोग मदद करते हैं। अगर आप दुखी हैं तो लोग उसमें ईंधन डालकर मदद करेंगे, अगर आप खुश हैं तो लोग उसमें ईंधन डालेंगे। हमारे आसपास अलग अलग तरह के लोग हैं, वे आपकी मदद करते हैं जैसे भी वो जानते हैं, लेकिन वास्तव में ये आपका ही बनाया हुआ है। ये योग का बुनियादी पहलू है। जो पहली शिक्षा दी गई थी वो ये थी कि ये आपका कर्म है, मतलब ये आपने खुद बनाया है। आपका जीवन और आपके जीवन का अनुभव पूरी तरह से आपके बनाए हुए हैं। अगर ये एक चीज आप में गहरी नहीं उतरती तो आप जरूरी बदलाव नहीं लाएंगे। आपको अब भी लगता है, हाँ मुझे पता है ये मेरे कर्म है, पर आप जानते हैं मेरे पति ने क्या किया, आप बदलाव नहीं ला पाएंगे। पहले ये समझिए कि ये मेरी करनी है, पूरी तरह से मेरा बनाया हुआ है। जैसे ही आप ये देखते हैं, आप में इसे बदलने की क्षमता आ जाएगी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसने क्या किया, जो आपके भीतर हो रहा है, आपके जीवन के अनुभव पूरी तरह से आपके बनाए हुए, यही आपका कर्म है।